हमने पूरी व्यवस्था से आपका उम्मीद करती हूँ ठीक से होंगे। मैं हूँ आपकी वो तैयबा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सफेद चने वाले चावल। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने बासमती चावल लिए हैं जिनको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। 1 पाव जो से मैंने सफेद चने लिए थे उनको मैंने बॉइल कर लिया है। टमाटर मैंने लिए है 2 अदद जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हरी मिर्ची मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अदरक पेस्ट मैंने 1 चम्मच लिया है। लहसुन पेस्ट मैंने 1 चम्मच लिया है। इमली मैंने ली है 2 चम्मच जिसे मैंने पानी में भिगो लिया है। नमक मैंने लिया है 2.5 चम्मच यानी कि 2 चम्मच और आधा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने लिया है 2 चम्मच। प्याज जो है वो मैंने 1 अदद लिया है जिसे मैंने क्यूब में काट लिया है। काली मिर्च पाउडर जो है वो मैंने 1 चम्मच लिया है। गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो मैंने 1 चम्मच लिया है छोटा। चिकन नोर की चिकन क्यूब जो है वो मैं 1 अदद इस्तेमाल करूंगी इसमें। दालचीनी जो है वो मैंने 2 स्टिक्स यूज की है। बड़ी इलायची भी 2 मैंने जो यूज किए हैं। लौंग जो है वो मैंने 4 अदद इस्तेमाल किए हैं। काली मिर्च जो दानों वाली है वो मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। जीरा भी 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। दही जो है वो मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच इस्तेमाल करने हैं। ऑयल जो है वो मैंने 1 कप इस्तेमाल करूंगी। पानी जो है वो मैं 1 बड़ा जग इस्तेमाल करूंगी। चले इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे नोट हो चुके हैं। चले मैं अब आपको रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं 1 कप ऑयल लूंगी रेचके में। गर्म होते ही मैं इसमें प्याज 1 अदद शामिल कर दूंगी और प्याज को मैं लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाऊंगी। प्याज जो है मेरा वो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें जो है अपने चने डालूंगी। चने जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट डालूंगी। 1 चम्मच जो मैंने लहसुन लिया था वो डाल दिया मैंने। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक पेस्ट शामिल कर दिया है। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। 2 से 3 सेकंड के लिए लहसुन अदरक मैंने इसमें भून लिया है चना में डाल के। अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। ये आप देख सकते हैं नमक 2.5 चम्मच जो वो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। चने को बॉयल करते हुए भी मैंने इसमें नमक डाला था 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें जो सा मेरा साबित गरम मसाला था वो मैं इस्तेमाल करूंगी। के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छिटा दूंगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया है। इसे 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे भूनने के बाद मैंने अब इसमें चिकन क्यूब डालूंगी 1 अदद जो मैंने ली थी। बारीक कटी हुई हरी मिर्च इस्तेमाल करूंगी डालूंगी इसमें और इसको अच्छे से 2 से 3 सेकंड के लिए मजीद भून लूंगी सब चीजों को। चने जो हैं वो मेरे भून चुके हैं। टमाटर और मिर्चें गल चुकी हैं। इसमें मैं काली मिर्च पाउडर और जो सा गर्म मसाला मैंने पिसा हुआ था वो इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा इमली वाला पानी डालूंगी। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें इमली का पानी डालते जाना है। इसके बाद अब मैं इसमें 3 से 4 अदर मैंने 4 से 5 चम्मच लिए थे दही के वो इसमें शामिल करूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी।
देख सकते हैं चने जो हैं वो मेरे पक चुके हैं, भून चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी। एक किलो मैंने बासमती राइस लिए थे, अब मैं एक जग इसमें जो है वो पानी का शामिल करूंगी। पानी हमने हाफ जो है वो कम लगाना होता है। तो मैंने एक जो सा जग है वो पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे पानी पकने तक पकाऊंगी और इसके साथ ही मैं इसमें अब जो ये इमली हमारी बची है गुठलियों वाली ये मैं शामिल कर दूंगी और इसमें पकने दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया है। अब ये पानी जो सा बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें चावल जो है वह शामिल करूंगी। अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें चावल जो है वो शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे मिक्स करूंगी और फिर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि इनका पानी ना खुश्क हो जाए। मैंने मिक्स कर रही हूँ। चावलों को ज्यादा हिलाते नहीं है जब हम इनको डाल देते हैं, ज्यादा हिलाने से भी वो टूट जाते हैं। अब हमने इसे पकने देना है 5 से 10 मिनट के लिए जब तक कि इनका पानी खुश्क ना हो जाए अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं पानी जो है वो मेरा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे दम पे लगाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए पानी जो है वो मेरा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चावल जो है वो मेरे टूटे नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसे दम पे लगाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट तक मैंने इसे दम दिया है अपने चावलों को और चावल जो है वो मेरे गल चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे से हिला लूंगी। चावल जो है वो मैं हिला रही हूँ, आप देख सकते हैं। चले वाला पुलाव जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब मैं इसे सर्विंग डिश में सर्व कर लूंगी।